शांति मातेश्वरी जी जहाँ तहाँ सेवा केंद्रों पर प्रवचन करने जाती थी, जितनी भी उपहार स्वरूप वस्तुएं मिलती उन्हें न स्वयं प्रयोग करती न दूसरों को प्रयोग करने देती। उन्हें लाकर पहले यज्ञ में यज्ञ पिता को अर्पित करती थी। माँ का स्वभाव गुण सागर की तरह था। कभी भी किसी की गलती व अन्य कोई बात मम्मा के सामने आती तो वे सागर की तरह समा लेती। कोई बच्चा उनके पास कोई बात लेकर आता तो उसको ही समझा देती थी, उसकी बात किसी दूसरे से रिपीट नहीं करती थी। जब कोई प्यार से समझाने से नहीं समझता तो कहती, मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, फिर याद रखना मैं काली भी हूँ। वास्तव में मातेश्वरी जी के तीन रूप दिखाई देते हैं। सरस्वती के रूप में विद्या की देवी, ज्ञान धन बांटने वाली लक्ष्मी और आसुरी वृत्तियों का संहार करने वाली दुर्गा। यह रहस्य भक्त नहीं जान पाएंगे कि जगदम्बा पृथ्वी पर आई और चली भी गई। हम पूजा और गुणगान ही करते रह गए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय वीपी सिन्हा जी उन दिनों मम्मा से मिलने आए थे। मम्मा हमेशा मम्मा अर्थात माँ बनकर ही रहती थी। हर एक की बात को अच्छी तरह सुनकर उसका हल करती थी। मम्मा को देखकर सिन्हा जी ने अलौकिक माँ की ममता का अनुभव किया। उन्होंने अपने अनुभव में यह व्यक्त भी किया कि यह मेरी रूहानी माँ है, देवी है, शक्ति है। उसने मम्मा के सामने कोई वाद विवाद नहीं किया, बहुत प्यार से मिले और मम्मा की बातें सुनकर आनंदित भी होते रहे। मम्मा से कोई भी बाहर वाले मिलते थे तो उनसे बहुत अच्छा प्रभाव लेकर जाते थे। मम्मा को देखकर किसी को कोई बात की शंका, भ्रम आदि पैदा होते ही नहीं थे। हर एक उनको देख अपनेपन तथा रूहानी प्रेम का अनुभव करते थे। मम्मा का स्व पुरुषार्थ बहुत था। मम्मा कभी ज़्यादा लौकिकता अर्थात बाह्य मुक्ता में नहीं गई। इधर उधर की बातें अर्थात ज्ञान, योग, धारणा, पुरुषार्थ के अलावा और कोई बात हमने कभी मम्मा के मुख से सुनी ही नहीं। पहले यह सिस्टम थी कि जो भी बात करेगा वह उस दिन की मुरली की पॉइंट से शुरू करेगा और अंत भी मुरली की पॉइंट से करेगा। बाबा या मम्मा किसी को भी पत्र लिखते थे तो भी उस पत्र के आरंभ और अंत में उस दिन की ज्ञान मुरली की पॉइंट्स अथवा धारणा की पॉइंट्स अथवा योग की पॉइंट्स लिखते थे। मम्मा के देखने का ढंग ही विचित्र था। जैसे बाबा हमें देखते हैं और उनको देखते ही हम सब कुछ भूलकर एक अतींद्रिय अनुभव में चले जाते हैं, उसी प्रकार मम्मा की दृष्टि, मम्मा का चेहरा इतना रूहानी होता था कि सामने वाला अपने को इस दुनिया से निराला अनुभव करता था। मम्मा हो अथवा बाबा हो, दोनों में कोई भी हमें योग कराते थे तो हम यहाँ रहते ही नहीं थे, कहीं दूर चले जाते थे, अनुभवों में खो जाते थे। उस समय हमें प्रैक्टिकल में अनुभव होता था कि हम परम धाम में हैं। चार पाँच घंटे तक भी हम सब और मम्मा बाबा एक ही मुद्रा में बैठे योगस्थ रहते थे। शरीर बिल्कुल टस से मस नहीं होता था। ओम शांति।